ये समाचार पत्र बताता हूँ, देखो ना बेसिकली अपने को याद तो मैंने जो अभी तीन चार बताए थे उतने ही रखने हैं। वो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, आज दिन तक घुमा फिरा के क्वेश्चन उन तीन का ही पूछा हुआ है। कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, पर फिर भी दूसरे कोई मैं बता देता हूं। एक राजस्थान का पहला अखबार ये माना जाता है मजहरुल सरूर, कौन सा माना जाता है? क्या नाम अखबार का? 1849 में भरतपुर से पब्लिश होता था। कहां से पब्लिश होता? क्या नाम अखबार का? मजहरुल सरूर। क्या नाम है? मजहर। दोनों भाषाओं में, हिंदी और उर्दू, कौन कौन सी भाषाओं में? राजस्थान का पहला वीकली न्यूज़पेपर को निकला तो वो था सज्जन कीर्ति सुधाकर, कौन सा था? आपको याद हो तो हमने एक राजा का नाम पढ़ा महाराणा सज्जन सिंह, कौन सा पढ़ा है? महाराणा सज्जन सिंह कहां के थे? उदयपुर। हमने पढ़ा था जिन्होंने महाइंद्राज सभा बनाई थी, क्या बनाई थी? जिसका एक और नाम था इजलास खास, क्या नाम था? उन्हीं सज्जन जो जिन्होंने परोपकारिणी सभा का सभापति बनाया गया, अरे समाज वाली परोपकारिणी सभा थी, तो उन्होंने एक अखबार निकाला, उस अखबार का नाम क्या था? सज्जन कीर्ति सुधाकर, क्या नाम था? राजस्थान का पहला वीकली न्यूज़पेपर कौन सा माना जाता है? सज्जन कीर्ति सुधाकर, कौन सा माना जाता है? सज्जन। इसके बाद में एक अखबार है देश हितेशी, कौन सा अखबार है? इसको निकालने वाले थे मुन्ना लाल वर्मा, कौन थे? नन्ना मुन्ना, देश का हितेशी, देश का किसने निकाला? किसने निकाला? एक अखबार है राजपूताना गजट, कौन सा अखबार है? इसको निकालने वाले थे मौलवी मुराद अली बीमार, क्या नाम था? वो मुराद मांगते रहते कि अल्लाह मुझे बीमार कर दे, क्या कर दे? तो मुझे याद है एक बार ऐसा कोई सवाल था, एक बार सवाल था कि इनमें से कौन सा अखबार आर्य समाज से नहीं जुड़ा हुआ है ना, और उसने ऑप्शन दे दिए कि जगहितकारक, जगलाभ चिंतक, देश हितेशी और राजपूताना गजट। सिंपल सा याद रखना, राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार का है, मुसलमान आर्य समाज से जुड़े हुए है ना, तो मोटा मोटा। इससे एक महिला जुड़ी हुई थी, एक महिला पत्रकार थी मोती बेगम, कौन थी? मोती बेगम। तो राजपूताना गजट या राजपूत गजट अखबार से कौन सी महिला जुड़ी हुई थी? मोती बेगम। अखबार निकालते कौन थे? मौलवी मुराद अली बीमार। देश हितेशी कौन निकालते? महाराणा सज्जन सिंह ने कौन सा निकाला? सज्जन कीर्ति सुधाकर। भरतपुर से कौन सा अखबार निकला? मजहरुल सरूर, कौन सा निकला? कौन कौन सी भाषाओं में? हिंदी और उर्दू। अंग्रेजी का कोई अखबार जो जनता में चेतना लाया था वो था राजपूताना हेराल्ड, कौन सा था? कौन सा अखबार था? राजपूताना हेराल्ड। ये निकालते हनुमान सिंह, कौन निकालते? हेराल्ड हनुमान सिंह, याद रहेगा हेराल्ड कौन सा निकालते? तो राजपूताना हेराल्ड कौन निकाल रहे थे? हनुमान सिंह। एक अखबार है राजस्थान समाचार, जो निकाला था मुंशी समर्थ दान चारण, किसने निकाला? पहले वीकली था, बाद में डेली हो गया था। पहले कैसा था? वीकली, बाद में क्या हो गया? डेली। निकालने का समर्थ हर किसी आदमी में नहीं, पर एक आदमी में समर्थ था, उनका नाम था समर्थ दान चारण, क्या नाम था उनका? मैं डेली राजस्थान को समाचार सुनाऊंगा, तो डेली राजस्थान को समाचार कौन सुनाता? समर्थ दान चारण, कौन सुनाता? तीन अखबार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। केसरी कहां से निकला? वर्धा। कौन निकालते? विजय सिंह पथिक। बाद में कहां से निकला? अजमेर। बाद में 22 में उसको बंद करके कौन सा निकला? नवीन राजस्थान। फिर वो सरकार ने बैन किया तो नाम चेंज करके आ गया तरुण राजस्थान। पहले कहां से निकला? अजमेर। इस बार कौन निकाल रहे थे? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त, कौन निकाल रहे? और ब्यावर से किसने निकाला? किसने निकाला था? जयनारायण व्यास ने। ये तीनों हो गए आपके, तीनों एक बार, तरुण राजस्थान हो गया आपका, यंग राजस्थान इन दोनों ने निकाला था। यंग राजस्थान इसी का इंग्लिश न्यूज़पेपर था, तरुण राजस्थान, तरुण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यंग। तो वही रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने इसका इंग्लिश कौन सा निकाल दिया? यंग। तो राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के नाम राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारठ के नाम पर, किसके नाम पर है? हुआ यह था कि 1919 में ये सारे लोग, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी, ये सारे गांधी जी के पास गए। किसके पास गए? और गांधी जी का, गांधी जी हम राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग वहां पर बैठ के बनाते हैं राजस्थान सेवा संघ, क्या बनाते हैं? तो राजस्थान सेवा संघ कहां बनाया गया? वर्धा। कब बनाया गया? 1919। कब बनाया गया? कहां पे बनाया गया? वर्धा। किससे पूछ के? बनाने वाले कौन? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, ये सारे लोग वहां पर। अब कहा सेवा करने का तरीका अखबार हो सकता है? बस सेवा करने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे? अखबार। इसलिए वहीं पर बैठ के केसरी सिंह बारठ के नाम पर अखबार कौन सा निकाल दिया? राजस्थान केसरी। बाद राजस्थान सेवा संघ का ऑफिस भी 1920 में कहां लेके आ गए? अजमेर। अखबार भी कहां लेके आ गए? अजमेर।
22वें अखबार बंद करके क्या निकाल लिया, नवीन राजस्थान, उसमें बैन लगा तो नाम बदल क्या कर दिया, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का इंग्लिश वर्जन कौन सा था, कौन सा था? तो राजस्थान सेवा संघ का बनाया गया था, कहां पर बनाया गया? एक अखबार ये याद रखना, त्याग भूमि, कौन सा है? हरिभा उपाध्याय का अखबार, किसका अखबार है? 64 पन्ने थे इसमें, कितने पन्ने थे? उनमें 16 महिलाओं के थे, 16 किसके थे? गांधीवादी विचारधारा का अखबार है पूरा, कितने पन्ने थे? महिलाओं के कितने? एक कॉलम आता पूरा आधी दुनिया, किस नाम का कॉलम था? आधी दुनिया कॉलम में कितने पेज थे? 16, किससे संबंधित, कौन से अखबार में? त्याग भूमि। त्याग भूमि कौन निकालते? राजस्थान वीकली, मेरा पढ़ाया हुआ आपको लिखाया हुआ, 1923 में ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करते, उसमें हड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाश पढ़ा हुआ था अपना। एक अखबार है प्रजा सेवक, कौन सा है? प्रजा की सेवा कौन कर रहे हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, कौन है? एक अखबार प्रताप अपना पढ़ा हुआ है, गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकवाणी मेरा पढ़ाया हुआ है, देवी शंकर तिवर, याद रखने वाला आपका प्रजा सेवक है, कौन सा है? प्रजा सेवक, किसने निकाला? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, किसने निकाला? दिल्ली राजस्थान को समाचार सुनाने का समर्थ किसमें है? समर्थदान राजपूताना गजट, कौन मुराद मांग रहे हैं? मौलवी मुराद अली बीमा, उससे महिला पत्रकार कौन सी? मोती बेगम, कौन सी जुड़ी हुई है? और हनुमान सिंह जी क्या निकालते थे? राजपूताना हेराल्ड, कौन सा? मुन्नालाल वर्मा, कौन सा निकालते? देश इतिहास, यंग राजस्थान किस किसने निकाला? एक अखबार और इसमें लिखा हुआ, एक अखबार रियासती, कौन सा है? रियासत निकालते थे सुमनेश जोशी, कौन निकालते? कौन निकालते थे? सुमनेश जोशी निकालते, और सुमनेश जोशी ने इसी अखबार के अंदर लिखा था कि जोधपुर पाकिस्तान में मिल सकता है, जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर छापने वाला कोई अखबार था, अखबार कौन सा था? किसने छापी? किसके विलय की? जोधपुर के विलय, किसमें? पाकिस्तान में विलय, किसका? जोधपुर का। ये खबर छापने वाला अखबार कौन सा था? रियासती कौन छाप रहे थे? प्रजा सेवक कौन छाप रहे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, कौन छाप रहे? वर्धा से कौन सा अखबार निकला? राजस्थान, उसको बाद में कहां लाए? उसी का अपडेट वर्जन, उसी का दूसरा वर्जन, उसी का इंग्लिश वर्जन। राजस्थान सेवा संघ कहां बनाया गया, कब बनाया गया? दो संगठन, एक तो राजस्थान सेवा संघ और एक राजपूताना मध्य भारत सभा, कौन सा? ये दो महत्वपूर्ण संगठन थे अपने, कौन कौन से? ये तो राजस्थान सेवा संघ और दूसरा राजपूताना मध्य भारत सभा, ये बनाया गया था 1918 में दिल्ली, कहां बनाया गया था? दिल्ली, दिल्ली के वहां चांदनी चौक में एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, कौन सा पुस्तकालय था? और ये भाई साहब कांग्रेस का एक संगठन था, जहां कांग्रेस अधिवेशन करती वहीं पर ये कर लेते, तो इनका पहला अधिवेशन इनका कहां पर हो गया? दिल्ली, क्योंकि 1918 में कांग्रेस का भी कहां था? दिल्ली। 1919 में कांग्रेस ने किया अमृतसर, तो इन्होंने भी कहां कर लिया? अमृतसर। फिर एक ही कांग्रेस के अलावा करते हैं, मार्च 1920 में अजमेर इनका मुख्यालय था, तो कहां पर करते हैं? अजमेर। फिर कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा कब होते? दिसंबर, तो दिसंबर में इन्होंने भी कर लिया अपना नागपुर, कहां पर कर लिया? तो इनके चार अधिवेशन हुए, पहला कहां पर हुआ? दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा, चौथे में कह दिया तो हम अलग से नहीं करेंगे भाई साहब, अब जहां कांग्रेस करेगी वहीं पर हम कर लेंगे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा कहां बनाएगी? दिल्ली के कौन से पुस्तकालय में, कहां पर है वो, कब बनाएगी? तो 1918 में दिल्ली में तो है राजपूताना मध्य भारत सभा, और 1919 के अंदर है कौन सी है, कौन सी है? राजस्थान से एक संगठन, जो सज्जन सिंह जी का अखबार कौन सा बताओ? सज्जन कीर्ति। और इन सज्जन सिंह जी ने एक संगठन बनाया था देश हित श्रेणी सभा, कौन सा बनाया? कब बनाई गई थी देश हित श्रेणी सभा? 2 जुलाई 1877, कौन से? महाराणा द्वारा। अच्छा कोई पूछ ले कि ये जो संगठन समाज सुधार वाले संगठन बन रहे थे, भाई देश हित श्रेणी सभा समाज सुधार का है, ये किसमें समाज सुधार करना चाहते थे? शादी, शादियों वाली परंपरा, भाई उस सती प्रथा तब तक बैन हो चुकी थी लगभग, अब प्रॉब्लम ये थी बहुविवाह, अब प्रॉब्लम थी बाल विवाह, अब प्रॉब्लम थी कोई विधवा विवाह, इन सारी प्रॉब्लम, इन अब प्रॉब्लम थी कोई लड़कियों की शादी में ज्यादा खर्चा, अब प्रॉब्लम थी कोई त्याग प्रथा, इन सबको बैन करने के लिए कोई चल रहा था, तो कौन चल रही थी, कौन सी थी?